हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? होप करते हैं आप सब अच्छी होंगी। और मैं आपको मिलाती हूँ लाला से, माधव से मिलाती हूँ। माधव, जय श्रीमन्नारायण। राधे राधे। माधव, क्यों मैंने ये गर्म ड्रेस पहना दी है, नहला धुला कर बिठा दिया यहाँ पे। अभी जब दूध आएगा तो दूध पिलाएंगे इनको। अभी दूध आया नहीं है, दूध बहुत लेट आता है हमारे यहाँ पे। तो दूध आने के बाद लाला को दूध पिलाएंगे। और मैं आपको विराट के पापा से भी मिलाती हूँ। ये रहे विराट के पापा, अपना कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे, और लैपटॉप में अपना कुछ काम कर रहे हैं। हम चलते हैं अभी किचन में, क्योंकि किचन में काम पड़ा है बहुत सारा, वो करना है। किचन में काम करके फिर आपसे मिलते हैं। 1 मिनट। सुबह सुबह की ये धूप, सर्दी के मौसम में बहुत अच्छी है। यहाँ पे चारपाई लगा रखी है, आराम से मस्त यहाँ पर बैठ कर आराम करो धूप में। मैं तो यहाँ पर आके बैठ जाती हूँ काम होने के बाद। धूप बहुत ज़्यादा है अभी। सो चलते हैं मंदिर। अभी मैं किचन का काम करती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। अभी किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, किचन वगैरह साफ हो चुका है, बर्तन वगैरह सब कर दिए मैंने। अभी थोड़ा आराम करूँगी, फिर बाद में करूँगी पढ़ाई। पढ़ाई करूँगी, और क्योंकि बुक्स कब से वेट कर रही है मेरा, तो अब करूँगी थोड़ी देर आराम करके पढ़ाई करने लग जाऊँगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर में। अभी मैं बना रही हूँ चाय। चाय बनाएंगे। विराट के पापा उधर बैठे हुए हैं, उनकी थोड़ी आज तबीयत है, वो डाउन है, तो फिर आज वो घर पे ही हैं। घर पे ही है, उधर वो बैठी हुई हैं, और उन्होंने बोला कि अदरक वाली चाय बना कर लाओ। और ठंड के मौसम में अदरक वाली चाय मिल जाए तो उसका मज़ा ही कुछ और है। सो अभी बनाती हैं चाय। ये चाय लेके जा रही हूँ मैं। चाय, ये स्टैंड है इनका, जूते का स्टैंड बना रखा है, मूवी देख रहे हैं। जूता हटाओ, कुछ और है ही नहीं, कुछ और ला के देती हूँ आपको। चाय। थैंक यू। चाय पी लीजिए। हम पी रहे हैं इधर चाय आराम से धूप में बैठकर। जिसे रामायण में संजीवनी बूटी का नाम दिया गया। वैसे मैं चाय ज़्यादा नहीं पीती, सुबह सुबह के टाइम चाय पीती हूँ, एक शाम को पीती हूँ, और आज शाम को मैं पीती हूँ। कभी कभार पी लेती हूँ, कभी कभार नहीं पीती, लेकिन आज मैंने सुबह भी पी ली। सुबह तो रोज़ पीती हूँ, आज इतनी जल्दी चाय पी ली, अब शाम को नहीं पीऊंगी। मैंने चाय पी ली है, और अब थोड़ा सा इधर उधर घूम लेते हैं, फिर बाद में और पढ़ाई करनी है। एक बार चल रही है अंदर, उधर अपना सो रही है, धूप में थोड़ी देर सोएंगे। और मुझे विराट स्कूल से आ जाए, विराट को स्कूल से आने के बाद मैं मशीन कपड़े धोऊंगी, मशीन लगाऊंगी। उधर धूप है, धूप में, ठंड में धूप में बैठना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं उधर बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। मैं बैठ जाती हूँ, वो तो फिलहाल आज ही हैं घर पे, फिलहाल घर पे थे तो सोचा कि वो आज घर पे थे तो सोचा कि आज थोड़ी धूप सेक लेते हैं। अंदर बहुत ठंड है, तो वो उधर की साइड बैठ गए, गद्दा लगा दिया मैंने, उधर बैठ गई। अब दे के आई हूँ उनको चाय। चाय पी ली हम लोगों ने, और अब मैं करूँगी थोड़ी देर के लिए अपनी पढ़ाई। फिर विराट आ जाएगा, विराट के आने के बाद उसकी वो यूनिफॉर्म भी धोनी है, तो फिर साथ में कपड़े धो लूँगी सारे। और इसमें कुछ सॉक्स भी हैं, इसमें कपड़े हैं, वो धोऊँगी।
बस यही चलता रहता है पूरे दिन, काम साथ में पढ़ाई, काम पढ़ाई वगैरह का भी करना पड़ता है बीच में। तो इधर विराट के पापा और इधर विराट भाई साहब अपना वर्क कर रहे हैं, मैं यहाँ पे अपना मस्त बैठी हूँ। क्या बोली, थोड़ा काम पड़ा है वो करेंगे, मन नहीं कर रहा काम करने का। विराट हेल्प करवा दे, मेरी करवा देगा। तो अभी रात के 8 बज चुके हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया है और ये मैंने टोपी पहन ली है क्योंकि ठंड बहुत बढ़ गई है। बर्तन पड़े हैं इधर, बर्तन धोएंगे। एक बार क्या है कि विराट, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, विराट को जैसे आदत लग गई थी बर्तन धोने की, ये क्या है कि ये थोड़ा भी कुछ करता और थोड़ी देर में आकर बोलता, मम्मा बर्तन है क्या, बर्तन अगर है तो मैं बर्तन धो लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, ऐसा करके इसको आदत ही लगी। जब एक भी कटोरी अगर रखी होती तो ये कहता कि मम्मा मैं बर्तन धोऊँगा, बर्तन धोऊँगा, बस बर्तन धोने बैठ जाता। और फिर मतलब मेरे को, मैं उस चीज़ से उसको इतनी आदत लग गई थी कि मैं परेशान हो गई थी कि कब इसकी आदत छूटेगी बर्तन धोने की। बड़ी मुश्किल से मैंने इसको आदत छुटवाई है और अभी नहीं धोता, उसने छोड़ दिया उसने। अभी देख के आते हैं पीछे, कपड़े सूख रहे हैं, कपड़े धोए थे आज मैंने। इधर कपड़े सूख रहे हैं और रात के 8 बज चुके हैं अभी और ये कपड़े सूख रहे हैं इधर। अभी थोड़े थोड़े गीले हैं इधर पूरे सॉक्स, छोटे छोटे विराट के और सबके। अभी रात के 8 बज चुके हैं, हम लोगों ने खाना खा लिया है, सर्दी बहुत है तो मैंने टोपी पहन ली और बर्तन का सिंक भरा हुआ है, बर्तन धोऊंगी। विराट के पापा अंदर बैठे हुए हैं, खाना खा लिया है सबने और विराट अपना कर रहा है वर्क। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो अभी मैंने बर्तन धो लिए सारे, बर्तन धोकर और इधर रख दिया है दूध गर्म, दूध गर्म हो रहा है, हाथ हो गए हैं पूरे एकदम ठंडे क्योंकि ठंडे पानी से बर्तन धोए मैंने। ठंड में बर्तन धोना बड़ी मुश्किल, बड़ा मुश्किल काम है, डर लगता है पूरा एकदम। इससे तो अच्छा कि बस बर्तनों वाला कब तो काम करना ही नहीं पड़े, लेकिन क्या करें, काम सारे ही करने जरूरी होते हैं बहुत। लेकिन ठंडे पानी में हाथ देने का मन बिल्कुल भी नहीं होता। सो फ्रेंड्स, अभी हमने पी लिया है दूध और अभी हम सोएंगे। फ्रेंड्स, आज के व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं, सो आज के लिए बस इतना ही, बाय 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 बाय। तो फ्रेंड्स, अभी हमने पी लिया है दूध और अभी हम सोएंगे, सोने की तैयारी कर रहे हैं, अभी सोएंगे, नींद नहीं आएगी, है ना, आपको आएगी नींद। तो अभी हम सोएंगे, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।